नमस्कार साथियों, इन्वेस्टमेंट कहाँ करें चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम देखने वाले हैं SBI की धमाकेदार स्कीम के बारे में। जो आप 1 लाख रुपए अभी लगाओगे तो आगे जाके बहुत बड़ा अमाउंट बनने वाला है। आगे जाके कितने आपको पैसे मिलेंगे, 10 साल के लिए अगर आप रखते हो, 20 साल के लिए, 30 साल के लिए, ये सब आज हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। जनरली दोस्तों, SBI में बहुत सारे म्यूचुअल फंड की स्कीम चल रही है। म्यूचुअल फंड में आप देखें तो एक तो इक्विटी प्रकार के हो गए म्यूचुअल फंड, फिर हाइब्रिड प्रकार के होते हैं म्यूचुअल फंड, और तीसरा वाला होता है डेथ फंड। इक्विटी में क्या होता है, इक्विटी में आपका जो पैसा है वो इक्विटी मार्केट में, शेयर मार्केट में पूरा का पूरा पैसा लगाते हैं, इसलिए उसमें रिस्क हाई रहता है। लेकिन जिसमें रिस्क हाई है उसका रिटर्न भी हाई रहता है, इसलिए इक्विटी में ज़्यादातर रिटर्न हाई रहते हैं। फिर आता है हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड के अंदर क्या रहता है दोस्तों, हाइब्रिड फंड के अंदर आपका जो पैसा होता है उसका रिस्क थोड़ा कम करके उसको फंड को डाइवर्ट किया जाता है ताकि आपको फंड सेफ रहे, यानी कि इसका रिस्क कम होता है लेकिन इक्विटी से रिटर्न भी थोड़ा कम होता है। फिर बात करते हैं डेथ फंड। डेथ फंड में दोस्तों आपको इक्विटी और हाइब्रिड फंड से रिटर्न कम मिलेगा और सामने रिस्क भी उसके हिसाब से कम ही है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हाइब्रिड फंड। SBI का एक ऐसा ही हाइब्रिड फंड है जिसका नाम है SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये काफ़ी अच्छा फंड है। क्या क्या इसका परफॉर्मेंस है हम ये देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले हम देखें तो इसकी फंड साइज, मतलब कितने लोगों ने इसके अंदर पैसा लगाया है, कितना पैसा लगा हुआ है इसके अंदर। इसके अंदर दोस्तों 56,000 करोड़ तक इसके अंदर पैसा लगा हुआ है। इसकी फंड साइज की हमने बात की। अभी बात करते हैं ये जो फंड है उसका पैसा कौन कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट होता है। इसका होल्डिंग्स हम देखें तो HDFC बैंक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे वगैरह शेयर मार्केट में इसका इन्वेस्टमेंट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे हम बात करें इनके रिटर्न के बारे में दोस्तों, ये फंड ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। जब से ये फंड आया है तब से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है इसने। दोस्तों एक साल की बात करें तो इसका रिटर्न है 40.56, यानी कि 40% तक इसने रिटर्न निकाल के दिया है। फिर 3 साल की बात करें तो इसका रिटर्न है 14.77, यानी कि 14% का रिटर्न निकाल के दिया है। फिर 5 साल की बात करें तो 14.06, यानी कि फिर से यहाँ पे 5 साल में भी इसने 14% तक रिटर्न निकाल के दिया है। अगर दोस्तों ऑल टाइम की बात करें, जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से आज तक, तो यहाँ पे 15.85% का इसने रिटर्न निकाल के दिया है। काफ़ी अच्छा रिटर्न ये दे रहा है जब से मार्केट में फंड आया है तब से। दोस्तों इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.95 है। दोस्तों अभी हम बात करेंगे, आपने 1 लाख रुपया डाला तो उसके सामने कितना आपको रिटर्न मिलेगा। जनरली इसका रिटर्न है 15.85, लेकिन हम 15% पकड़ के चलते हैं कि इतना रिटर्न हमको मिलेगा। हमने इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपया 5 साल तक तो कितना मिलेगा, 10 साल तक कितना, 15 साल तक कितना, ये बारी बारी से हम देखें। सबसे पहले हम देख लेते हैं, अगर आप इन्वेस्ट करते हो 1 लाख रुपया 5 साल तक तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 2,01,000 रुपया, यानी कि ऑलमोस्ट 5 साल में आपका पैसा डबल हो जाने वाला है। दोस्तों यहीं अगर हम 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं 1 लाख रुपया और रिटर्न रहेगा 15%, तो यहाँ पे हमको मिलने वाला है 4,04,556 रुपया, यानी कि आप समझो ना 4,04,000 जितना तक आपको पैसा मिलने वाला है। दोस्तों यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप शॉर्ट ड्यूरेशन मत रखिए, 5 साल 10 साल में मैं पैसा निकाल लूँगा ऐसी बात मत सोचिए। आप अगर लॉन्ग टर्म रखोगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। अभी देखो आप 10 साल के लिए 4 लाख रुपये मिल रहा है, फिर हम आगे बढ़ते हैं तो कंपाउंडिंग पावर जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे हम दोस्तों देखें 15 साल तक, तो 15 साल अगर 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं 15% रिटर्न के हिसाब से, तो यहाँ पे आपको 8,13,000 रुपया तक आपको रिटर्न मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर यही 1 लाख रुपया आप इन्वेस्ट करोगे 20 साल तक और हम रिटर्न एक्सेप्ट करते हैं 15%, तो यहाँ पे आपको 16,36,000 तक आपको रिटर्न मिल जाने वाला है। दोस्तों आपने देखा तो 20 साल पे कितना, 10 साल पे आपको 4 लाख रुपये मिल रहा था और 20 साल पे 4 गुना हो गया, सीधा 10x डबल ही हुआ है। देखा आपने, 10 का 20 साल ही हुआ लेकिन पैसा 4 गुना हो गया। अभी हम आगे देखते हैं, यही फंड आप 25 साल तक अगर रखते हो तो आपको यहाँ पे मिलने वाला है 1 लाख रुपये हमने इन्वेस्ट किया 25 साल तक 15% का रिटर्न, तो यहाँ पे 32 लाख रुपया यहाँ पे मिलने वाला है। देखा दोस्तों आपने, 5 साल और रखा तो सीधा पैसा डबल हो गया। अभी हम आगे बढ़ते हैं, अगर आप ये पैसा 30 साल तक रखते हो 1 लाख का इन्वेस्टमेंट 15% इसका रिटर्न, तो यहाँ पे आपको पैसा मिलने वाला है 66 लाख रुपया। देखा दोस्तों कितना अच्छा आपको इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिला, 1 लाख रुपया आपने इन्वेस्ट किया था 30 साल पहले, जो आज इसका हो गया है 66 लाख रुपया। तो देखा दोस्तों, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है तो आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलेगा। अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो बीच में भी आप विड्रॉल कर सकते हो।
अभी हम आगे देखें तो एक एग्जांपल 1.5 लाख रुपए का लेते हैं, तो 1.5 लाख रुपए अगर आप 30 साल तक रखते हो 15% रिटर्न के हिसाब से, तो उसके सामने आपको 1 करोड़ तक का रिटर्न मिल जाने वाला है। देखा दोस्तों, बहुत ही अच्छी स्कीम है। दोस्तों ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।